Thank you, Mr. Kandal Dubey. Chief of Defense Staff General Anil Chauhan. Sri Arvind Kumar, Chief Executive Officer, OPEDA. Air Chief Marshal R.K. Swarodia, retired. And the Chief Nodal Officer, UP Defense Industrial Corridor. Our Business Committee से जुड़े हुए मेरे सभी मित्रों, मेरे मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, मैं क्योंकि आप जानते हैं आजकल इंडिजिनाइजेशन का दौर चल रहा है, इसलिए मैं अपने विचार भी इंडिजिनस लैंग्वेज में ही व्यक्त करूंगा। और इसके लिए भी मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप माइंड मेकअप करके रखिएगा, क्योंकि इतने भाषण होंगे कि स्वाभाविक रूप से रिपीटेशन होगा ही होगा, तो झेलने के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। अब सेमिनार का सब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी है कि एडवांटेज यूपी इन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। पहले इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है, इसलिए मैं आप सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। और मेरा विश्वास है कि सेमिनार में जो भी सजेशंस आप सबके द्वारा आएंगे, निश्चित रूप से वह हमारे उत्तर प्रदेश को प्रॉस्परस बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि उत्तर प्रदेश को ही सेंटर में रखकर यह सब सारा ये कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। आप सब लोगों को मैं अपनी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। और डिफेंस कॉरिडोर पर एक सेशन का रखना ये अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और यह विषय हमारी नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस दोनों से जुड़ा हुआ है। मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि देश में नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स और वर्कशॉप में डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर एक डेडिकेटेड सेशन रखा जा रहा है। जब भी कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो जरूर इसके लिए कोई ना कोई डेडिकेटेड सेशन होगा, और हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की आत्मनिर्भरता का विषय लोगों का ध्यान स्वाभाविक रूप से आकर्षित कर रहा है इसमें, और इस तरह के इवेंट्स में अपनी महत्वपूर्ण जगह मना रहा है। और मैं आपको, आप सबको जानकारी होगी, लेकिन विदेशों में भी जो मुझे बातचीत करने का अवसर मिलता है, मैं देखता हूँ दुनिया को भी अब एहसास हो गया है कि भारत डिफेंस के मामले में अब सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है, उसका फर्म कन्विक्शन है। इसलिए बातचीत करते समय भी इस बात का वो लोग ध्यान रखते हैं। सेल्फ रिलायंट इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने में इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के महत्व और योगदान क्या है, इस बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उसको एलेबरेट नहीं कर पा रहे। साथियों, आप में से किसी को भी यह बात मानने से इनकार नहीं होगा कि किसी भी राष्ट्र अथवा किसी भी समाज की प्रगति के लिए जो सबसे बेसिक चीज होती है वह सिक्योरिटी, वह सुरक्षा होती है। समाज चाहे कितना भी ज्ञानवान क्यों न हो, कितना भी गुणवान क्यों न हो, चाहे कितने संस्कारवान क्यों न हो, चाहे कितना ही प्रॉस्परस क्यों ना हो, पर सुरक्षा नहीं है तो नॉलेज और प्रॉस्पेरिटी भी अधिक दिनों तक नहीं चल पाती है, अधिक दिनों तक वो स्थिर नहीं रह सकती है। दुनिया का इतिहास यदि आप उठाकर देख लें, कला हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, यहां से लेकर ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उन्हीं समाजों ने प्रगति की है जो समाज अपने आप को लंबे समय तक सुरक्षित रख पाने में सफल हुए। अपने देश के संदर्भ में देखें तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की ख्याति समस्त विश्व में उसी कालखंड में व्याप्त हुई जिस कालखंड में तत्कालीन हमारा यह भारत का समाज पूरी तरह से सुरक्षित था। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, चरक, सुश्रुत से लेकर कालिदास और अश्वघोष उसी कालखंड में हुए जब हमारे समाज ने अपने आप को सुरक्षित रखा हुआ था। यह सारी हिस्ट्री आपको उठाकर देखें, जब हमारा समाज सुरक्षित था तभी यह सब सारी उपलब्धियां हैं। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रश्न है तो भारतीय अर्थव्यवस्था का कंट्रीब्यूशन तभी तक महत्वपूर्ण रहा जब तक भारतीय समाज ने अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित बनाकर रखा। पर जैसे जैसे समय का पहिया घूमता गया,
समय का चक्र आगे बढ़ता गया, वैसे ही वैसे हमारा समाज भी ये बदलता चला गया। कुछ हिस्टोरिकल रीजंस थे, कुछ ऐतिहासिक कारण थे जिन कारणों से भारतीय समाज के बीच यूनिटी का ह्रास, एकता का ह्रास वो होता चला गया और उनकी सुरक्षा की कड़ी स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ती चली गई। जैसे जैसे हमारे समाज का सुरक्षा चक्र टूटता गया, वैसे वैसे हमारे समाज की प्रॉस्पेरिटी भी गर्त में जाने लगी। क्या नहीं था इस देश में, चाहे धन हो, चाहे ज्ञान हो, शील हो, संस्कार हो, चरित्र हो, हर एक क्षेत्र में हमारा भारत अग्रणी रहा है, पर सुरक्षा के अभाव में धीरे धीरे यह देश अपना कितना कुछ खोता चला गया। क्या क्या नहीं ले गए विदेशी आक्रांता इस देश से, सोने चांदी से लेकर हीरे जवाहरात, रुपया पैसा आदि आदि। एक समय तो वह भी आया जब भारत को सदियों तक के लिए गुलामी का ग्रहण लग गया, ग्रहण की छाया ऐसी कि भारत की आजादी के लंबे समय बाद तक भी उसका असर बरकरार रहा है। साथियों, अनेक ऐसे क्षेत्र जिसमें हम पूरी तरह आत्मनिर्भर थे उसमें गुलाम बन गए, यानी उन क्षेत्रों में हमारी आत्मनिर्भरता धीरे धीरे समाप्त हो गई। खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने की वस्तुओं और परिवहन के साधनों तक के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर होने के को मजबूर हो गए। जाहिर है हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी उनमें से एक था। परिणाम यह हुआ कि वेपन इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स की आपूर्ति के लिए हमने दूसरे देशों की सहायता ली और कब यह सहायता हमारी हैबिट बन गई, आदत बन गई, यह हमें पता भी नहीं चला। पर आज जब मैं सरकार और इंडस्ट्री के अथक प्रयासों से हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को लगातार आगे बढ़ते हुए मैं देख रहा हूँ, तो मैं मान सकता हूँ कि वह दिन दूर नहीं है जब सुरक्षा हो या फिर आर्थिक समृद्धि, यानी हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, हमारा देश पुनः अपना वही गौरव हासिल करेगा जिसका वह हकदार है। ले गए होंगे विदेशी आक्रांता हमारा धन, ले गए होंगे विदेशी आक्रांता हमारा धन, हीरे जवाहरात, उद्योग धंधे, रुपए पैसे, पर एक चीज वे नहीं ले जा सके, वह है हमारी जिजीविषा, हमारी जीवटता और आगे बढ़ने की हमारी और कुछ कर गुजरने की हमारी ललक, जो किसी अंतः सलीला की तरह अंदर ही अंदर चली आ रही थी और अब अवसर पाकर अब वह उभर कर दुनिया के सामने आई है। हमारा देश एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है और इस सच्चाई को केवल भारत के लोग ही नहीं स्वीकार करते हैं, बल्कि अब भारत सारी दुनिया के लोग इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे हैं। अपनी खोई हुई आभा वापस पाने के लिए, अपनी खोई ही समृद्धि वापस पाने के लिए और अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए एक बार हमारा भारत फिर उठ खड़ा हुआ है। साथियों, देश की सेवा का अवसर मिलने के बाद डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर को लेकर हमारे सामने दो विकल्प थे। एक तो यह कि हम वर्तमान स्थिति का ठीकरा पिछले सरकारों और परिस्थितियों पर फोड़ते रहे और जैसा अब तक चला आ रहा था वैसा ही हम चलने देते, यह काम बहुत ही आसान था। पर दूसरा यह कि हम एक नई राह बनाते और उस पर चलते। निश्चित ही यह काम कठिन था। पहला विकल्प एयर कंडीशन रूम में बैठकर ट्रेडमिल पर चलने जैसा था, एयर कंडीशन रूम में बैठकर ट्रेडमिल पर चलने जैसा था, आरामदेह। पर समस्या यह है कि आप कितनी भाग दौड़ लगा लें पर अपने स्थान से एक कदम आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दूसरा विकल्प हमारे पास था कि दुर्गम पहाड़ पर चलने जैसा था, कठिन था, पर परिणाम यह कि अंत में आप निश्चित रूप से एक ऊंचाई पर होते हैं। और हमने दूसरा विकल्प चुना और बड़े मनोयोग के साथ, पूरी ताकत के साथ हमने आगे बढ़ना प्रारंभ किया। साथियों, आज हमें इस बात की संतुष्टि होती है, मुझे संतोष है कि धीरे धीरे चलते हुए हम एक ऊंचाई पर आ चुके हैं, सारी दुनिया स्वीकार करती है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे हैं हमें हमारा अगला पड़ाव और अधिक स्पष्ट होता जा रहा है और हम आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के अपने लक्ष्य के और करीब धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से पहुंचते जा रहे हैं। आज देश में सभी सेक्टर्स के साथ साथ हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी अपनी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने
और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में अपना योगदान देने के लिए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जैसे सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हमारी गति में और बढ़ोतरी कर रहे हैं। साथियों, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऐसी महत्वाकांक्षी यह हमारी परियोजनाएं हैं जो देश की डिफेंस इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई, एक नई हाइट देने की यह क्षमता रखती है। और आप सभी अवगत हैं कि प्राचीन काल में भी ट्रेड रूट्स का बहुत ही महत्व हुआ करता था। आपने सुना होगा सिल्क रूट हो, उत्तरापथ या ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड हो या यूरोपियन एम्बर रोड हो, ये सभी अपने समय के बहुत ही माने जाने प्रसिद्ध रूट्स हैं जो न केवल लोगों के आवागमन बल्कि बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते थे। इन रूट्स पर प्रायः वे सभी सुविधाएं उपलब्ध हुआ करती थी जो व्यवसायी वर्ग के लिए जरूरी होती थी। मैंने उस समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता था जो व्यवसायी वर्ग के लिए भी, बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी उपयोगी थी। और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की संकल्पना भी कुछ इस तरह की गई है जो डिफेंस इंडस्ट्री को बुनियादी फैसिलिटी उपलब्ध कराने में सहायक हों, और इस तरह आने वाले समय में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री की बैकबोन साबित हों, ऐसा मेरा विश्वास है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात है, यह ऐसे नोड्स को लेकर डिजाइन किया गया है जो अपने आप में ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, और कनेक्टिविटी के विभिन्न माध्यमों से न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश से ये जुड़े हुए हैं। ऐसे नोड्स आइडेंटिफाई किए गए। मैं आगरा और कानपुर की चर्चा करना चाहता हूँ। आगरा और कानपुर को लेदर वर्क के लिए कौन नहीं जानता? ताले के गढ़ अलीगढ़ का नाम किससे छुपा है? ये सभी देश के बड़े पुराने इंडस्ट्रियल इलाके हैं। लखनऊ अपने आप में कैपिटल है, राजधानी का क्षेत्र है। यह गवर्नमेंट ऑफिस के साथ साथ विभिन्न एकेडमिक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस वाला यह क्षेत्र है जहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक फैसिलिटी उपलब्ध हैं और आगे भी हो सकती हैं। इसी प्रकार झांसी हो, चित्रकूट हो, मैं सारे नोट्स की मैं चर्चा कर रहा हूँ जो हमारे इंडस्ट्रियल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के, झांसी हो या चित्रकूट, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज के दृष्टि से बहुत ही रिच है, बहुत ही समृद्ध है। कुल मिलाकर यह है हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिफेंस इंडस्ट्री को ऐसा इकोसिस्टम देने की क्षमता रखता है जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्शन से जुड़े किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह बहुत ही आवश्यक होता है। अब तक आप लोगों ने देश में कॉरिडोर्स ऑफ पावर देखे होंगे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अब तक आप लोगों ने देश में कॉरिडोर्स ऑफ पावर देखे होंगे, यदि देखा नहीं होगा तो सुना तो जरूर होगा। कॉरिडोर्स ऑफ पावर की मैं बात कर रहा हूं। ये कॉरिडोर्स देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, पर जब जब कॉरिडोर का पावर देश के उद्योग धंधों में दखलंदाजी करने लगते हैं तो देश में रेड टेपिज्म बढ़ता है। जब जब इनकी दखलंदाजी होती है कॉरिडोर का पावर की, तो रेड टेपिज्म यह बढ़ता है और काम धंधे पर उसका एडवर्स इंपैक्ट होता है, विपरीत असर पड़ता है। हमने देखा है कि देश में जो बिजनेसमैन है, उद्योगपति हैं, इनका अच्छा खासा समय इन कॉरिडोर ऑफ पावर में नष्ट हो जाया करता था, आज नहीं, पहले बर्बाद होता था समय। इन सबको देखते हुए हमने दो नए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया। अब ये कॉरिडोर सत्ता के अनावश्यक हस्तक्षेप से पूरी तरह से रहित है और उद्योगपतियों के लिए डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल या कॉरिडोर हैं। यहां पर हस्तक्षेप किसी का नहीं चलेगा। साथियों, किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए एक नई इंडस्ट्री स्थापित करने के पहले जो जो भी प्रश्न सामने उपस्थित होते हैं उन सबका उत्तर आज उत्तर प्रदेश के पास है। उदाहरण के लिए इंडस्ट्रीज के सामने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का प्रश्न स्वाभाविक रूप से आता ही आता है, ह्यूमन रिसोर्स और उनकी गुणवत्ता का प्रश्न स्वाभाविक रूप से आता ही आता है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रश्न आता है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि इन सबका उत्तर आज हमारे उत्तर प्रदेश के पास है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यहां
साथियों, कुछ वर्षों पहले उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ इतना मजबूत नहीं था। यहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी थी उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। परंतु वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने और आज के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ दिनों में लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर ऐसा कार्य किया है जिसने इस प्रदेश की, यदि मैं कहूं कि सूरत बदल दी है, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। साथियों, सरकार ने इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार किया है इन्वेस्टर्स के लिए, जिससे बिना किसी भय और संकोच के इस प्रदेश में आ सकें, जिससे वे बिना किसी भय और संकोच के इस प्रदेश में आ सकें और जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वह इन्वेस्ट कर सकें। ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने का भी एक बड़ा काम किया है। वर्तमान सरकार ने प्रदेश में सभी के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन भी इंश्योर की है। क्या क्या किया है उस डिटेल में नहीं आना चाहता। एम्स और नए नए मेडिकल कॉलेजेस खोलकर प्रदेश में हेल्थ और एजुकेशन का गवर्नमेंट ने एक नया माहौल पैदा किया है। महिलाओं की सेफ्टी और डिग्निटी बहुत बड़ी चीज होती है। महिलाओं की सेफ्टी और डिग्निटी इंश्योर करने के लिए मिशन शक्ति जैसे भी अभियान हमारी सरकार ने प्रारंभ किए हैं और ये सभी कदम प्रदेश में एक बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्सेज इंश्योर करते हैं, यह बात मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी इस सरकार के कार्यों को पूरे देश में सराहा गया है। रोड्स, हाईवे, एयरपोर्ट्स आदि ट्रांसपोर्ट के सभी माध्यम उत्तर प्रदेश में आसानी से उपलब्ध हैं। जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का अकेला यह ऐसा स्टेट है जहां पर कि इसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इस योजना को प्रदेश और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति मिल रही है। और डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी इंडस्ट्री फ्रेंडली एयरो स्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो प्राइवेट इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत सरकार के विजन को धरातल पर उतारने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, यह महत्वपूर्ण बात है कि यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना के बाद उसी समय के भीतर 100 से भी अधिक इन्वेस्टर्स के साथ MOU साइन हो चुके हैं और अब तक 30 से अधिक ऑर्गेनाइजेशंस को 550 हेक्टेयर से अधिक लैंड का अलॉटमेंट भी किया जा चुका है। क्यों मिश्रा अवस्थी, एम आई राइट? वाह, अब मेरी जानकारी यहां तक है लगभग 2500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी हो चुका है, राइट? और यह तो अभी शुरुआत पर है, देखिए आगे आगे क्या होता है। और आने वाले समय में आप लोगों के सहयोग से ये आंकड़े नई नई ऊंचाइयों को टच करेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना कर हमने वह सभी ऊंचाइयां छू ली हैं जो हमारा लक्ष्य थी, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यह कॉरिडोर हमें उन ऊंचाइयों तक ले जाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और माध्यम बनेगा। किसी विमान को चाहे कितनी ही कितनी ऊंचाई क्यों न भरनी हो, उसकी शुरुआत जमीन पर रनवे पर ही चलकर होती है। बिना रनवे न हो तब तक कोई भी विमान चाहे जैसा भी हो वो ऊंचाई हासिल नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी मैं समझता हूं आने वाले समय में ऐसा ही रनवे साबित हो, ऐसा ही रनवे साबित हो जिस पर चलकर यूपी डिफेंस इंडस्ट्री एक लंबी और ऊंची उड़ान भरने में सक्षम होगी। और यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। मित्रों, लंबे समय तक लोगों की यह मान्यता थी, लोगों की यह धारणा भी थी, उत्तर प्रदेश इंडिया की इकोनॉमी पर बट्टा लगाता है। बिजनेस कम्युनिटी के लिए आप लोग हैं, आप जानते होंगे बट्टा किसे कहते हैं, बट्टा जानते हैं कि नहीं? पर अब यही उत्तर प्रदेश हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को प्रोपेल करेगा, आगे बढ़ाएगा और भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा।
अब भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा नहीं, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बन चुका है और यह मैसेज देने में हम लोग कामयाब हुए। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अगर हमारा भारत देश संपूर्ण विश्व का लगभग 1/6 है, छठवां हिस्सा है, तो हमारा उत्तर प्रदेश भारत देश का भी 1/6 है, मानी छठवां हिस्सा है। वर्तमान सदी अगर एशिया की सदी होने वाली है तो मेरी बात अपने जेहन में बैठा कर जाइए कि अगर वर्तमान सदी एशिया की होने वाली है तो एशिया में यह सदी भारत की होने वाली है और भारत में भी यह सदी उत्तर प्रदेश की होने वाली है, लखनवी होने वाली है, अदब तहजीब नफासत की होने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगर इस गति से हम चलते रहे तो वह दिन दूर नहीं होगा कि हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में से एक होंगे और टॉप मोस्ट इकोनॉमी बनने की दिशा में हम तेजी के साथ अग्रसर होंगे। और टॉप 3 इकोनॉमीज में हम एक होंगे, यह मैं नहीं कह रहा, यह पूरे विश्व के माने जाने इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं। और ये कौन बोरले स्टोन लेक के कौन थे, मैं नाम भूल रहा हूं, मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने भी ये बात कही, उन्होंने 2027 की कही है, इस डिकेड के समाप्त होने की बात की, तो उन्होंने कहा 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाए। मैं साथ ही यह भी कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में 2027 तक $1 trillion इकोनॉमी बनने का लोग जो लक्ष्य तय किया है, हम उस ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इस लक्ष्य को हासिल करके ही रहेंगे। अब आप कहेंगे कि आप तो डिफेंस मिनिस्टर हैं और केवल उत्तर प्रदेश की इतनी तेजी से वकालत क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहा हूं कि क्षमता उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश का मैं चीफ मिनिस्टर रह चुका हूं, उत्तर प्रदेश की कैपेबिलिटीज को मैं अच्छी तरह समझता हूं और मैं कह सकता हूं, और इस टारगेट को जो हम अचीव करना चाहते हैं उसमें यदि कोई महत्वपूर्ण रोल यदि कोई प्ले कर सकता है तो आप जैसी हस्तियां ही वह रोल प्ले कर सकती हैं, मेरा विश्वास है। और साथियों, अभी मैंने आपके सामने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उत्तर प्रदेश के अवसरों और संभावनाओं पर इतनी सब सारी बातें रखी हैं। आपने कहा कि अभी तक तो आपने माहौल बनाया है, अभी कोई खास बात तो आपने बताई नहीं, लेकिन माहौल भी चीज हमारी जो आगे मैं कहने वाला हूं आपके जेहन में बैठे, इसके लिए माहौल भी बनाना आवश्यक होता है। पर पिक्चर यही खत्म नहीं होती है, पिक्चर यही खत्म नहीं होती है, ऐसे अनेक कदम हैं जो सरकार ने डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए उठाए हैं। उनमें से कुछ का बिंदुवार जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा, कुछ की चर्चा हमारे जनरल अनिल चौहान जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उन्होंने भी की है और हमारे एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया ने भी की है। मित्रों, पिछले 7-8 सालों में सरकार ने देश में डिफेंस इंडस्ट्री में प्राइवेट इंडस्ट्री के आगमन के लिए कैसा माहौल तैयार किया है जिसके बारे में पहले कभी सोचा नहीं गया था। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जिस समय मैं डिफेंस मिनिस्टर बना था 2019 में, तो SIDM की एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास लोग मौजूद थे। लोगों ने कहा कि साहब डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो सहयोग मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है, यहाँ तक कि हम डिफेंस मिनिस्ट्री में जाकर यदि किसी से बातचीत करना चाहें तो उसमें भी हमको बहुत ही कठिनाई होती है, हमको शंका की नज़रों से देखा जाता है। तो मेरे मित्रों, मैंने डंके की चोट पर कहा कि आप हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री में जहां घुसना चाहते हो, जिससे बात करना चाहते हो, बेधड़क जा सकते हैं, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। जिस भी प्रकार का असिस्टेंस आप चाहते हैं वो असिस्टेंस हमारी मिनिस्ट्री आपको प्रोवाइड करेगी। अरे जिसको लेना देना हो वो डरे, हिम्मत है किसी को तो आरोप लगा ले, वो डरे, हम क्यों डरे? मित्रों, वर्तमान सरकार ने प्राइवेट सेक्टर फ्रेंडली पॉलिटिकल विजन के चलते ऐसी पॉलिसीज बनाई है जो प्राइवेट इंडस्ट्री को डिफेंस सेक्टर में आने के लिए इस तरह प्रोत्साहित कर रही है। यह स्वयं भी आप सबको एहसास होगा, क्यों सच है?
और हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशंस के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक मात्रा में लगता है, या मैंने डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए अनुभव किया है। ऐसे में सभी कंपनीज के लिए, सभी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत धन लगा सकेंगी, बहुत इन्वेस्ट कर सकेंगी, यह बड़ा कठिन काम होता है, सबके लिए संभव नहीं है। ऐसे में सभी कंपनीज के लिए एक बड़ी धनराशि लगाना मुश्किल काम था। इसको ध्यान में रखते हुए हमने बैंकिंग सेक्टर में अनेक रिफॉर्म किए हैं और उन्हें सशक्त बनाने के कई उपाय किए हैं। हमने मजबूती से कदम उठाकर कुछ बैंकों को आपस में मर्ज किया, कुछ बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ते हुए हम उन्हें नया जीवन देने का भी प्रयास कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट की अप्रोच, गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कैपिटलाइज करके, गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कैपिटलाइज करके भी उन्हें पुनर्जीवित करने का महत्वपूर्ण काम किया है। और बैंक्स जो अभी तक कहीं एनपीए या फिर इसी तरह के अन्य कारणों से नुकसान में चल रहे थे, हमने उनका भी पुनरुद्धार किया है। और आज बैंक मार्केट में भी भलीभांत लोन्स उपलब्ध कराने की स्थिति में आ गए हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। यदि ऐसा न हो तो खुलकर आप इस सेमिनार में भी बतला दीजिएगा, यह सूचना मुझ तक पहुंच जाए। कैपिटल मार्केट को भी हमने रेगुलराइज किया है और आज हम देख रहे हैं कि दूरदराज इलाकों तक से भी लोग सभी रिस्क समझते हुए मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं और मार्केट में कैपिटल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। साथियों, इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ाकर हम लोगों ने ऑटोमेटिक रूट से 74% कर दिया है और विशेष मामलों में गवर्नमेंट रूट से 100% किया है, कि आपको जानकारी है। हमारी डिफेंस जो कंपनीज हैं इससे लाभ, डोमेस्टिक कंपनी इससे लाभान्वित होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। और इसी तरह हमने सभी वे उपाय किए जो प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए कैपिटल उपलब्ध कराने में सहायक। साथियों, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की भागीदारी डिफेंस सेक्टर में अधिक से अधिक हो, इसके लिए सरकार ने डिफेंस के कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक निश्चित हिस्सा, जैसा हमारे जनरल अनिल चौहान बता रहे थे, एक निश्चित डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए रिजर्व कर दिया है। नहीं तो पहले ही तालियां बज चुकी हैं। आज जो मैं कहने जा रहा हूं, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक निश्चित हिस्सा मैंने तय कर दिया है। आपको मालूम है कितना है? 68%। लेकिन जल्दी ही इससे भी अच्छी सूचना मैं आप लोगों को देने वाला हूं। अब इस पर भी तो ताली बजनी चाहिए। अब हमारे डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा अनिवार्य रूप से इंडिजिनस डिफेंस आइटम्स खरीदे जाने में ही खर्च होगा और इस तरह डोमेस्टिक कंपनीज के पास एश्योर्ड डिमांड्स सुनिश्चित हो सकेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। और अभी तक तो कैपिटल एक्विजिशन का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए था, इसका 25% प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए भी था। प्राइवेट इंडस्ट्री को भी कोई कठिनाई ना हो, लेकिन और चिंता मत करिए, और बढ़ेगा। और आप सभी अवगत हैं कि रक्षा मंत्रालय द्वारा अब तक 400 से अधिक डिफेंस इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स की 4 इंडिजाइजेशन लिस्ट जारी की गई है, ये जानकारी आपको मिली है। लेकिन एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द्वारा भी यह काम किया गया है, 3 लिस्ट जारी की गई है जिनमें 3,700 से अधिक लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स, सब सिस्टम्स और अन्य कंपोनेंट्स हैं। तय किया है कि यह आइटम्स भी दुनिया के किसी दूसरे देशों से हम किसी भी सूरत में नहीं लेंगे, यानी कहीं ऐसा न होने लगे, यानी कहीं ऐसा न होने लगे कि इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म तो देश में बनाए जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कहीं ऐसा न होने लगे इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म देश में बनाए जा रहे हैं पर उनमें इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स बाहर से लाए जा रहे हैं और उनकी यहां केवल असेंबलिंग भर की जा रही है। इस पर भी हम सजग हैं, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमें इक्विपमेंट भी स्वदेशी चाहिए, हमें इक्विपमेंट भी इंडिजिनस चाहिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिजिनस चाहिए और उसके कंपोनेंट्स भी इंडिजिनस चाहिए, तभी इंडिजिनाइजेशन का मतलब होगा। लेकिन ऐसे घपलेबाजी होती रही है, क्षमा कीजिएगा, घपलेबाजी इस वर्ड का मैं प्रयोग जानबूझकर मैं कर रहा हूं।
और बहुत लोग इसी कंफ्यूज में हवा में रहते थे कि नहीं तो हम इंडिजनाइजेशन हो गया, नहीं चलेगा, जो मैंने कहा वही होगा। और यह हमने सुनिश्चित किया है कि इसका लाभ निश्चित रूप से हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री को मिलेगा। और मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूं, थोड़ा समय लग सकता है, मैं ये बहुत दावा नहीं करता कि चुटकी बजाकर मैं इस काम को कर लूंगा, लेकिन यदि कहीं कोई शिकायत हो तो मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करूंगा, जब भी चाहे समय लेकर आप मिल सकते हैं और आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, मैं आपकी शिकायत का स्वागत करूंगा। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मॉडर्न वारफेयर में टेक्नोलॉजी का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलॉजी के रूप में एक नए योद्धा, टेक्नोलॉजी के रूप में एक नया योद्धा अब यह भी वारफेयर में आ गया है। टेक्नोलॉजीज भी ऐसी कि आज नई है पर वो कुछ दिन में पुरानी पड़ जाती है, इसलिए लगातार नई नई टेक्नोलॉजीज की जरूरत इस सेक्टर में तो स्वाभाविक रूप से होती ही रहती है। इसका अनुभव करते हुए सरकार ने प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए दो प्रमुख रास्ते खोले हैं, जिसकी चर्चा भी आपके सामने हमारे CDF जनरल इन चौहान ने की है। पहला तो यह कि प्राइवेट एंटिटीज देश में उपलब्ध टेक्नोलॉजीज का एक्सेस हासिल कर सके। फिर से दोहराना चाहूंगा, प्राइवेट एंटिटी देश में उपलब्ध टेक्नोलॉजीज का एक्सेस हासिल कर सकें और उन्हें अपनी जरूरत के अनुरूप इस्तेमाल कर सकें। हमने देखा कि प्राइवेट एंटिटीज को अनेक ऐसी टेक्नोलॉजीज की जरूरत है जो DRDO द्वारा पहले से ही डेवलप्ड है। आपको उन टेक्नोलॉजीज की भी जरूरत है जो DRDO के द्वारा ऑलरेडी पहले से डेवलप्ड है। अब हमारे देश में प्राइवेट इंडस्ट्रीज फिर उसी टेक्नोलॉजी के पीछे अपना पैसा, समय और अपनी एनर्जी बर्बाद करें जो पहले से हमारे देश में उपलब्ध है, यह कोई बुद्धिमानी वाली बात तो नहीं कही जाए। न्याय शास्त्र में एक शब्द आता है पिष्ट पोषण। जो लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे होंगे उनसे मैं निवेदन करूंगा, पिष्ट पोषण इस शब्द को आप जाइएगा नोट कर लीजिए, पूछ लीजिएगा होता क्या है। पिष्ट पोषण हमारे यहां कहा गया है उसे, यानी जो पिसा हुआ जो आटा है, पिसे हुए को फिर से पीस देना, जो आटा पिसा हुआ है, जो आटा बन गया उस आटे को ही पीसना, जो गेहूं एक बार पीसकर आटा बना दिया गया उसे फिर से पीसकर आटा बनाना, और अब जो आटा DRDO एक बार पीस चुका है, DRDO जो आटा एक बार पीस चुका है उसे बार बार प्राइवेट इंडस्ट्री क्यों पीस, क्या तैयार है उसे पीसने के? ऐसे में हमने प्राइवेट इंडस्ट्री को DRDO के माध्यम से जीरो फी पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का पूरा प्रबंध किया है। सरकार ने प्राइवेट इंडस्ट्री को गवर्नमेंट लैब्स के एक्सेस उपलब्ध कराए, गवर्नमेंट लैब्स का भी एक्सेस आपको मिला है, यह भी डिसीजन हमारे यहां हुआ है, और इसी तरह के अनेक अन्य प्रोविजन कर प्राइवेट सेक्टर को सुटेबल ग्रोथ एनवायरमेंट प्रदान करने की हम लोगों ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। इसके अलावा सरकार ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 1/4 पार्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 1/4 पार्ट इंडस्ट्री लेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डेडिकेट करने का फैसला किया है, और अभी तो 1/4 पार्ट है, इसमें और कुछ आगे हो सकता है। ऐसे कदम प्राइवेट प्लेयर्स को डिफेंस सेक्टर में आने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रोत्साहित करते हैं। साथियों, हमारे इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सलेंस, यानी जिसे IDEX कहते हैं, आप सब परिचित हैं, तथा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TDF, यह जो इनिशिएटिव्स है इसकी लॉन्चिंग की गई है, इसकी जानकारी आपको अभी CDF ने दी है। इसके तहत इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को विभिन्न प्रकार के हम ग्रांट भी देते हैं ताकि वे डिफेंस से संबंधित रिसर्च और डेवलपमेंट में आसानी से आगे बढ़ सकें। परंतु हमने कई बार देखा है देश के अनेक ऐसे नौजवान जो देश के प्रतिष्ठित IITs जैसे संस्थानों से जुड़े होते हैं, उनके पास नॉलेज तो है, स्किल है, इनोवेटिव टेम्परामेंट है, पर वह देश की सुरक्षा में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करने की, योगदान करने की हसरत भी रखते हैं, पर धन के अभाव में, पैसा न होने के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं और अपना सपना, अपना ड्रीम वो पूरा नहीं कर पाते हैं। हमें क्या मालूम कि किस युवा के अंदर एक डॉक्टर विक्रम भाई तारा भाई छिपा हुआ है, हमें क्या मालूम
किस नौजवान के अंदर डॉक्टर सतीश धवन छिपा हुआ, हमें क्या मालूम किस नौजवान के अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम छिपा हुआ, जो आगे चलकर चलकर देश की राष्ट्रीय की सुरक्षा की दिशा को ही और दशा को भी बदल दे। ऐसे में आईडेक्स और टीडीएफ जैसे इनिशिएटिव इन नौजवानों के लिए किसी वरदान से किसी बूंद से कम नहीं है। हमारे नौजवान हमारे देश के भविष्य हैं और ऐसे में ऐसे इनिशिएटिव के माध्यम से उनको आगे बढ़ने का हमारा पूरा बढ़ाने का हमारा पूरा प्रयास रहता है, हमारी गवर्नमेंट का प्रयास रहता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आईडेक्स और टीडीएफ के अनेक पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, आना प्रारंभ हो गए और इसी तरह के अनेक कदम सरकार ने उठाए हैं जो देश में इन हाउस टेक्नोलॉजी डेवलप करने का मार्ग प्रशस्त करती है। और साथियों, टेक्नोलॉजी प्राप्त करने का दूसरा रास्ता यह कि जो आवश्यक टेक्नोलॉजी देश में विकसित नहीं हो पाई है उन्हें आप बाहर से लेने का प्रयास करें। मेरा सुझाव है जो टेक्नोलॉजी हमारे देश में डेवलप नहीं हो पाई है उन्हें आप बाहर से लेने का प्रयास करें। अनेक ऐसे देश हैं जो हमारे प्रयास को सपोर्ट करते हैं और हमें टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी भी हो सकते हैं, और हमें टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी हो सकते हैं। और इसके लिए सरकार ने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल की भी एक शुरुआत की है जिसकी आपको जानकारी होगी। जो इंडियन प्राइवेट एंटिटीज को ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप करने और उनसे टेक्नोलॉजी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी प्राप्त करने का यह एक महत्वपूर्ण माध्यम है, इससे बढ़िया माध्यम और कोई सरकार दूसरा नहीं दे सकती। साथियों, कदम दर कदम हमने जो भी प्रयास करने शुरू किए थे उस राह में हम काफी अब आगे निकल चुके हैं और इन सब प्रयासों का परिणाम हमारे सामने अब आने लगा है। आज हम न केवल अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए डिफेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत अन्य कई देशों को भी कि हम डिफेंस नीड्स अब लोगों की पूरी कर रहे हैं। यह हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि 7-8 साल पहले हमारा जितना डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ करता था उससे कई गुना बढ़ते हुए पिछले वर्ष यह मोर देन 13,000 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन आज आपको मैं बताना चाहता हूं, बातचीत पक्की है, जल्दी ही आपको सूचना मिलेगी, हो सकता है कि 15,000-16,000 करोड़ से भी आगे पहुंच जाए बहुत जल्दी। और इस तरह साथियों, इंडियन डिफेंस सेक्टर एक अपार संभावना वाला क्षेत्र बनकर उभरा है। देश विदेश की कंपनीज को इसमें अवसर अब मैंने दिखाई दे रहे हैं कि है अपॉर्चुनिटी, कंपनियां महसूस कर रही हैं और वे बड़े उत्साह के साथ इस सेक्टर में अपने कदम बढ़ा रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से यहां पर मौजूद आप सभी इंडस्ट्रीज के लिए एक पॉजिटिव साइन है। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे और डिफेंस सेक्टर की कंपनी से आग्रह करता हूं कि आप सब अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आए, संकोच न करें, सरकार के द्वारा हर प्रकार का सहयोग आपको प्राप्त हो, पूरी ताकत के साथ आप सामने आइए, नए नए इन्वेस्टमेंट कीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और अधिक जोर लगाइए और अधिक ताकत लगाइए और अपने पूरे पोटेंशियल को हार्नेस करते हुए इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं और आपका यह प्रयास न केवल डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बल्कि पूरे देश की ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है आप सभी हमारे सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना अमूल्य योगदान देंगे, आप पूरी तरह से सहयोग करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अथर्ववेद, चूंकि मिस्टर कुबेर ने बहुत सारी बातें इधर उधर की हैं इसलिए मैं भी अपने को उससे वंचित नहीं रखना चाहता। अथर्ववेद की एक सूक्ति है, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। उसमें ईश्वर से कामना की जाती है, कृतम में दक्षिणे हस्ते ययो मे सव्य आहितः, जिसका अर्थ होता है कर्म हमारे हाथ में विद्यमान रहे, कर्म हमारे दाहिने हाथ में विद्यमान रहे और सफलता हमारे बाएं हाथ में। यह
मैं आप सभी के भविष्य के प्रयासों की सफलता के लिए मित्रों में कामना करता हूं और इस समिट में आपने मुझे आमंत्रित किया है, धन्यवाद तो नहीं दूंगा, यह तो मेरा हक था आप लोगों के बीच आने का और मैं आप सबके बीच आया हूं और यह भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आगे भी जब भी जिस भी प्रकार के सहयोग की जरूरत होगी डिफेंस मिनिस्ट्री पूरी ताकत के साथ आपके तरफ नहीं है और मैं कह सकता हूं हमारी सर्विसेज भी आपके साथ खड़ी है, हमारी सर्विसेज भी आपके साथ खड़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त।